नमस्कार मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। टैक्स सीजन पास है और टैक्स बचाने के लिए अगर आप कर रहे हैं निवेश तो हम आपको बता रहे हैं कुछ तरीके जिनसे आप हो सकते हैं टैक्स फ्री, यानी आपकी टैक्स देनदारी हो जाएगी जीरो। आपके खर्चे और आपका निवेश कर सकते हैं टैक्स जीरो करने में आपकी मदद। और टैक्स जीरो कैसे होगा ये बताने के लिए है हमारे साथ आज टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। आज हमें क्या खास चर्चा हम करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे किन तरीकों से आप बन सकते हैं टैक्स फ्री, किन खर्चों पर आप पा सकते हैं टैक्स में छूट, आपकी इलेक्ट्रिक कार कैसे करेगी आपका टैक्स कम, होम लोन लिया तो कैसे टैक्स पर मिलेगी राहत। तो टैक्स बचाने के तमाम उपाय हैं, बिल्कुल आसान सरल है, बस आपको इनके बारे में जानना जरूरी है जिससे कि आपकी टैक्स देनदारी हो जाए जीरो। तो मनीष जी सबसे पहले हम यही आपसे जानेंगे, टैक्स बचाने के ढेरों विकल्प हैं और उससे पहले हम इनफैक्ट दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम किन विकल्पों की आज बात करने जा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, किसी का प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बस आपके पास ये तरीके हैं, आसान तरीके हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो करने के लिए। और उसके तहत हम क्या क्या चर्चा हम आज करेंगे वो है बचत खाते का ब्याज, इसके अलग अलग सेक्शन से उस पर चर्चा करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस से आप कैसे टैक्स छूट पा सकते हैं, एजुकेशन लोन से आप कैसे टैक्स छूट पा सकते हैं जानेंगे, एचआरए के बिना हाउस रेंट उससे भी टैक्स छूट आपको मिल सकती है, इसके अलावा डोनेशन से भी आप टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर भी टैक्स छूट आप जल्द ही ले सकते हैं, साथ ही डिसेबिलिटी ये भी टैक्स छूट के दायरे में आती है, उससे भी टैक्स छूट मिल सकता है आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं, होम लोन का ब्याज उस पर भी टैक्स छूट आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और सेक्शन 80C जो बहुत पॉपुलर है टैक्स छूट का एक विकल्प उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इन तमाम विकल्पों में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मनीष जी, बचत खाते का ब्याज, सेविंग्स अकाउंट में जो लोग पैसे रखते हैं उनके लिए टैक्स छूट का ये विकल्प कैसा है, और जब हम अलग अलग टैक्स छूट के नियमों में अलग अलग सेक्शंस की बात करते हैं तो ये कौन से सेक्शन के तहत आता है जो कि जानना बेहद जरूरी है। देखिए सेक्शन 80TTA है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये सबसे सिंपल छूट प्रदान करता है, यानी आपको अगर अपने सेविंग बैंक से कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो आपको छूट मिल जाएगी, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। सामान्यतः दूसरी छूटों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोई तैयारी करनी होती है, हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है, कहीं कोई प्रूफ लगाना होता है या कुछ खर्चा करना होता है। ये एक सिंपलेस्ट छूट है जहां आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में देख के निशान लगाने हैं कि आपने पूरे साल में क्या 10,000 या इससे अधिक की ब्याज ली है। अगर ली है तो आप उतना उस कॉलम में रिटर्न में भरिए कि हमारी इतनी छूट और उतनी छूट आपको मिल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉलम में भरना है। और लेकिन इसके लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात ये कि ये सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, एफडी नहीं हो, कोई कॉरपोरेट बॉन्ड ना हो, कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आपको ब्याज ना आती हो, आपने किसी मित्र को पैसा उधार दिया उसने ब्याज दी हो, ये सारी ब्याज उसमें कवर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से, यानी बैंक में जो अकाउंट होता है अगर वो सेविंग है तो उस पर जो ब्याज मिलती है वो आपकी 10,000 रुपए तक इनकम टैक्स में पूरी पूरी माफ है। एक तरीके से आपकी इतनी इनकम बढ़ जाती है, तो इसे या तो टैक्स की छूट कहें या ये कहें इतनी रकम पर हमें टैक्स देना ही नहीं है, आसान तरीका है। तो बचत खाते का ब्याज, इस पर आप पा सकते हैं टैक्स छूट कहीं पर भी निवेश के बगैर, सबसे आसान तरीका टैक्स बचाने का है ये। अब जो एक और टैक्स बचाने का विकल्प है जिसको बहुत ज्यादा लोग एक्सरसाइज करते हैं उसे टैक्स छूट पाते हैं, वो है मेडिकल इंश्योरेंस, या तो अपना या तो फिर अपने परिवार पर किया गया खर्चा और उसमें इंश्योरेंस का अगर आप प्रीमियम देते हैं उस पर टैक्स छूट। कौन से सेक्शन के तहत इसका प्रावधान है और कितनी राहत? स्वाति जी सेक्शन 80D मेडिक्लेम पर छूट की बात करता है। देखिए हमने देखा है कि किसी भी सेक्शन का कोई एक खास लॉजिक होता है और सरकार ये नहीं चाहती कि अगर हम छूट दे रहे हैं तो सिर्फ छूट देने के लिए छूट है, इसके पीछे सरकार ने कोई पर्पस सोचा होता है, चाहे वो कोई सी सरकार हो। जब मेडिक्लेम पर ये छूट बनाई गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि इस बहाने हम लोगों को ये प्रमोट करेंगे कि लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस लें।
मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो उनकी हेल्थ की चिंता खत्म होगी, उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगर कल को मैं बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई तो मुझे चोट लगी तो मेरे अस्पताल का पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने एक पंथ दो काज किए, एक तो एक व्यक्ति को जो मेडिक्लेम खरीदता है उसको निश्चिंत कर दिया कि आप एक साल निश्चिंत रहें, आपको मेडिकल के खर्चे की टेंशन नहीं है। दूसरा, आपको उस पैसे पर टैक्स की छूट मिल गई। और तीसरा बड़ा फायदा क्या है, एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को डेवलपमेंट मिल गया, वो कंपनियां बिजनेस करने लगी, उससे हॉस्पिटल्स के भी डेवलपमेंट होने लगी। खैर, 25,000 रुपए तक कोई भी इंडिविजुअल या HUF मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकता है। देखिए, हम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने HUF नहीं बनाए होते हैं, नहीं समझे होते हैं, ये जान लीजिए HUF को भी मेडिक्लेम की छूट मिलती है। यानी आप अपने परिवार के लिए अगर कोई HUF फैमिली मेंबर्स के लिए कोई मेडिक्लेम करता है उसकी पूरी पूरी छूट ले सकता है। अगर आप अपने माता पिता के लिए भी छूट लेते हैं आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी, अगर माता पिता सीनियर सिटीजन है आपको और अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो मेडिक्लेम लें और इस टैक्स का बेनिफिट, छूट का बेनिफिट जरूर लें। चलिए, तो ये बात हुई मेडिकल इंश्योरेंस की, कैसे आपको इस पर मिलेगा टैक्स का फायदा, मतलब टैक्स छूट का फायदा इस पर मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन लोन की, इस पर भी प्रावधान है, आप टैक्स छूट ले सकते हैं। मतलब हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजना है आपके, अगर अपनी पढ़ाई है तो इस पर आप टैक्स छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, एजुकेशन लोन जो भी आपने देश में इस एक्ट के तहत दी गई शिक्षाओं के लिए अगर कोई लिया है, शेड्यूल्ड बैंक से या शेड्यूल्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया है, तो उसका जो भी आप पेमेंट करेंगे, जितना भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे, उस सब पर आपको छूट मिलेगी। जितना भी अमाउंट आप लोन का चुका रहे हैं उतना पैसा आपकी इनकम टैक्स में से, इनकम में से सीधे सीधे घट जाएगा, यानी सीधे से आपकी इनकम उतनी घट जाएगी। कंडीशंस क्या हैं, आप अपनी या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन पर लोन लेते हैं, लोन का आप रीपेमेंट करते हैं। ध्यान रखिए, लोन लेने पर छूट नहीं है, लोन चुकाने पर छूट है। जब भी आप लोन चुकाने का वक्त आए, जितना आप चुकाएंगे उतनी उतनी छूट आपको मिलती जाएगी। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि लोन की छूट सिर्फ 8 वर्षों तक है, 8 वर्षों के बाद इसकी छूट नहीं मिलेगी। अब देखिए, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है कि लोग लोन लें, हायर एजुकेशन करें, स्किल डेवलप करें, उसके बाद लोन चुकाएं, इससे बैंकिंग सेक्टर डेवलप होता है। आप बिना किसी मदद के, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तब भी हायर एजुकेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट एक सामान्य कर की प्रक्रिया तो है ही, सामाजिक विकास की भी एक कड़ी है। तो इसको विकास की नजरों से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनकम टैक्स हमारे जीवन में सुधार भी ला रहा है। ओके, तो ये है एजुकेशन लोन पर टैक्स फ्री का फंडा, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं उच्च शिक्षा या फिर जो आपने लोन लिया है पढ़ाई के लिए उस पर। अब हम बात करते हैं बिना जो हाउस से है, मतलब जिनकी सैलरी के साथ HRA नहीं मिलता है, वो टैक्स छूट का फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, HRA में दो तरह की बातें होती हैं, एक वो जिन जो लोग कंपनी में किसी जगह काम करते हैं, किसी संस्थान में एम्प्लॉयज हैं, और उनको अगर HRA मिलता है तो सेक्शन 80 में कवर नहीं होता है, वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में कवर होता है। अभी हम चूंकि चर्चा सेक्शन 80 की कर रहे हैं, तो यहां 80GG एक सेक्शन है, ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी सैलरी में HRA का कंपोनेंट नहीं मिलता। जहां HRA का कंपोनेंट नहीं मिलता और वह व्यक्ति अपने स्वयं के मकान में नहीं रहता है, किराए पर रहता है और किराया चुकाता है, ऐसे में उसको HRA का बेनिफिट देने के लिए एक नया सेक्शन लाया गया जिसका नाम था सेक्शन 80GG। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट 1, आपको आपने कितना रेंट चुकाया, उसमें से अपनी सैलरी का बेसिक का 10% आपको माइनस करना है, एक कंपोनेंट वो। दूसरा 5,000 और तीसरा बेसिक सैलरी का 40% अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं और 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो इन तीनों में जो सबसे कम हो वो टैक्स छूट आपको मिल जाएगी। सामान्यतः 5,000 सबसे कम होता है, तो आपको 60,000 रुपए तक की सीधे सीधे टैक्स छूट हो जाती है। और आपको जैसे आपकी इनकम पर जो टैक्स बनता हो और वहां से 60,000 अगर अतिरिक्त होता है तो आपको टैक्स नहीं बचेगा, सीधे सीधे आपकी इनकम बढ़ने की व्यवस्था है 80GG।
ओके, तो कई ऐसे आयाम है, कई ऐसे विकल्प आपके पास जिससे आपकी जो टैक्स देनदारी वो हो सकती है जीरो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे विकल्पों की, उसमें डोनेशन भी एक आता है। ये तो हमें पता है कि अगर हम किसी ऑथेंटिक संस्थान को डोनेशन देते हैं तो वहाँ की टैक्स देनदारी हो जाती है निल, लेकिन इसमें कुछ नियम है जो ध्यान में रखने के लायक है, वो कौन से हैं? देखिए, सेक्शन 80G के तहत डोनेशन की बात करते हैं। अब देखिए, डोनेशन कहां से आया, मैं जैसे कह रहा था ना, इनकम टैक्स में एक लॉजिक है। ये डोनेशन हमारे भारत की जो परंपरा है, दान देने की परंपरा, धर्म करने की परंपरा, कैसे हमारे दान से कोई गरीब व्यक्ति या कोई संस्थान उठ खड़ा हो और वो गरीबों का या जन सामान्य का लाभ करे, उसके लिए तो ऐसे दान करने की परंपरा को बनाए रखने के लिए एक सेक्शन लाया गया इनकम टैक्स में, जिसका नाम था 80G, दान पर छूट। अब देखिए, इसके लिए क्या सोचा गया, किस तरह के दान पर छूट और कहीं इसका दुरुपयोग ना होने लगे, तो उन्होंने दो तरह के दान बनाए, एक वो जो अनलिमिटेड दान है, एक वो जो लिमिटेड है। यानी एक दान वो है जो आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, या वो जिनमें एक लिमिट बनाई। तो जी, ऐसे संस्थान जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री बाढ़ आपदा कोष है, या तमाम तरह के इस तरह के फंड हैं जो सरकारी हैं, या जिनको सरकार से ही इस तरह की अप्रूवल मिली हुई है कि वो इसमें अनलिमिटेड डोनेशन कर सकते हैं, तो आपकी वार्षिक आय चाहे कुछ भी हो, आप कितना भी डोनेशन करेंगे, आपको उसमें टैक्स का लाभ मिलेगा, अगर ऐसे ट्रस्ट में दान करते हैं। इसके अलावा अगर आपका ट्रस्ट जहां आप दान करते हैं वो ऐसा ट्रस्ट नहीं है, सामान्य ट्रस्ट है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, या कोई और चैरिटेबल शिक्षा का या चिकित्सा का संस्थान है, वहां आप अपनी वार्षिक आय का 10% से अधिक दान नहीं कर सकते। इस 10% तक दान कर सकते हैं, और इसमें से फिर उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कैटेगरी बनाई है कि वो जो जहां पे आप दान दे रहे हैं कि वो 50% के लिए एलिजिबल है या 100% के लिए एलिजिबल है। अगर वो 50% के लिए एलिजिबल है तो उसका जितना भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसका 50% आपकी इनकम में से अलाउ हो जाएगा, उतनी अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर 100% है तो 100% वाला माइनस हो जाएगा, पूरा पूरा डोनेशन आपका माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, दान एक तो आपको नकद नहीं करना है। 2,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने नकद दान किया तो आप टैक्स की छूट के अधिकारी नहीं होंगे। इसके अलावा दान सिर्फ धन का किया जाना है, आप अगर कंबल बांटते हैं रात को सर्दी की ठंड में, तब नहीं होगा, तब आपको बेनिफिट, देखिए दान तो आप कर रहे हैं, आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। तो वस्तुओं का दान अगर आप कोई भी करते हैं, किसी भी प्रकार का करते हैं, जैसे आप लंगर चलाते हैं, भंडारा करते हैं, आपको छूट नहीं मिलेगी। और मनीष जी, बजट 2019 में नया प्रावधान आया, इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर भी आपको मिल सकता है टैक्स छूट। बेसिकली जो आप खरीदारी के लिए लोन लेंगे उस पर आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। मतलब साफ इसका ये था कि इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब इसका फायदा कैसे उठाया जाए? देखिए, बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि TTA सिंपल था, EEB भी इतना ही सिंपल है। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से, यानी पीछे से 9 महीने चलिए, और इन महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च या इसके आगे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक के बीच में कभी भी कार खरीदते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। एक बार छूट मिलेगी, हर वर्ष नहीं मिलेगी, एक बार छूट मिलेगी, और ये सीधे सीधे आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगी। अगर आपने 2019 में भी खरीदी है कार तो उसका बेनिफिट आपको 2020 में मिलने वाला है, यानी जो आपने परचेज यहां कर ली 19 में, आपको अप्रैल होते ही आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काट रहा है तो उन्हें समझा दीजिए कि मैंने कार खरीद ली है, मेरे को 1.5 लाख की छूट दे दी जाए। अब कुछ ऐसे स्पेशल प्रावधान है जो कि किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, या फिर सरकार की तरफ से प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिले टैक्स छूट का, उसमें डिसेबिलिटी भी है। जैसे कोई टैक्स पेयर किसी अक्षमता से अगर ग्रस्त है तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ऐसे में डिसेबिलिटी के तौर टैक्स फायदा कैसे उठाया जा सकता है? कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ऐसे फायदे देता है टैक्स छूट में? देखिए, आप वापस उसी बात करते हैं,
सामाजिक समरसता को किस तरीके से टैक्स से जोड़ा गया है, ये देखते हुए शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में या पैर में, या मानसिक रूप से कोई विकलांगता है, या आंखों का अंधापन है, ऐसा अगर आपके पास 50% या अधिक का सर्टिफिकेट है तो आपको 75,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप 80U के तहत आप अपना क्लेम कर सकते हैं। देखिए, एक समय वह था कि शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग है या परेशान है तो उसको कोई लाभ नहीं होता था, सोसाइटी उसे हेय दृष्टि से देखती है। आज सरकार ने ऐसे बेनिफिट दे दिए हैं कि उसकी इनकम पर टैक्स ही नहीं है, जहां सामान्य व्यक्ति को टैक्स देना है उस पैसे पर, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो सेक्शन 80U शारीरिक विकलांगता, अंधता, मानसिक विकलांगता, इस तरह की बीमारियों पर, समस्याओं पर छूट प्रदान करता है। ओके, अब इसके अलावा कई ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसपे अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो ऐसा प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर आप इस पर भी छूट पा सकते हैं। तो खासतौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ऐसे कौन से नियम हैं, मतलब खर्चे के ऐसे कौन से नियम हैं, किसका खर्च, कितना खर्च और कैसा खर्च, उस पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी असेसी या असेसी का परिवार में कोई डिपेंडेंट अगर किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो कि स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको इनकम टैक्स में इसके लिए भी छूट मिलेगी। ये छूट भी अभी कुछ वर्षों में ही शुरू हुई है। इन छूटों का उद्देश्य भी यही है कि कैसे समाज के उस कमजोर वर्ग को जिसकी देखभाल नहीं हो पा रही है उसकी देखभाल होना शुरू हो, उसको छूट मिलना शुरू हो। इसके लिए आपको 40,000 रुपए तक की छूट मिलना तय किया गया है। इसमें जो भी इलाज होगा वो आपको पेमेंट उसका करने पर आपको छूट मिलेगी। अगर ऐसी बीमारी किसी सीनियर सिटीजन को है तो 1,00,000 रुपए तक का छूट आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि आपने ये पैसा वास्तव में खर्च किया है, चाहे आपने ट्रीटमेंट पर खर्च किया है या इन्वेस्टिगेशन पर खर्च किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 5,000 रुपए की अलग से छूट दी जाती है और आपको मांगने पर बिल सबमिट करने होंगे। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि बिल आपको पहले नहीं दिखाने हैं, रिटर्न भरते समय आपको कोई बिल अटैच करके नहीं भेजना है। वो तो आपको अपना रिकॉर्ड रखना है कि यदि इनकम टैक्स विभाग को लगे कि आपकी रिटर्न ठीक नहीं है, आप छूट अतिरिक्त रूप से ज्यादा बिना किसी वजह के क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपसे डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के तहत मांग सकता है, अन्यथा सामान्य तौर पर ये कागज आपसे नहीं मांगे जाएंगे। ओके, तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हुई। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके तहत छूट ली जा सकती है और कई लोग इसका बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं, वो है होम लोन के ब्याज पर छूट जो मिलती है सेक्शन 24 के तहत। अब इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है टैक्स देनदारी में और टैक्स फ्री रहने में? मनीष जी, देखिए, चूंकि 80 की डिडक्शन नहीं है, सेक्शन 24 में है, तो जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपका लॉस है, तो इसको लॉस मानकर 1,50,000 तक की आप डिडक्शन अपनी इनकम में से सीधे सीधे कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप अगर लोन लेके रह रहे हैं तो इस पर जो इंटरेस्ट आपने चुकाया है ये आपकी छूट बनती है, आप इस पर इनकम टैक्स ना दीजिए और अपनी डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। लेकिन इसकी लिमिट है कि आप इतने ही अमाउंट तक क्लेम करेंगे चाहे एक्चुअल में इंटरेस्ट आपने ज्यादा दिया हो। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि होम लोन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने एलिजिबल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लिया हो, अपने मित्र से या भाई से लोन लेकर अगर आप उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं स्वाति जी कि हम लोग देखिए जनवरी, फरवरी या मार्च में आकर इनकम टैक्स की छूट की चिंता करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि अप्रैल जब आया, देखिए बजट आने वाला है, जब अप्रैल आए सब व्यवस्था हो जाए कि कहां कहां छूट मिलने वाली है, हमें अपनी टैक्स प्लानिंग अप्रैल मई से ही शुरू कर देनी चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि अंत के महीने में कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारा TDS इतना ज्यादा कट जाए कि हम अपनी 50% सैलरी इनकम टैक्स में ही दे दें। तो हमें यह विचार करने की जरूरत है कि कैसे अपनी टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करनी है, कहां कहां कितना इन्वेस्ट करना है कि हम पूरे साल में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें
और टैक्स की छूट का भी लाभ समय पर उठा सके, कहीं ऐसा ना हो कि हम मेडिक्लेम कराने से रह जाएं, हम LIC चुकाने से रह जाएं तो ATC का बेनिफिट हमारा कम रह जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरे साल का हिसाब लगाते हुए काम करना होगा। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 80C बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, बहुत ही पॉपुलर विकल्प है, जिसके तहत 1.5 लाख तक की छूट पाई जा सकती है। तो आप बताएंगे अब मनीष जी कि सेक्शन 80C के तहत कौन सा विकल्प है जिसके तहत आप मानेंगे कि सबसे बेस्ट है टैक्स छूट के लिए? देखिए, उससे पहले मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, हम लोग 80C का बेनिफिट तो सब ले लेते हैं चूंकि ये पॉपुलर सेक्शन है। HUF में 80C का बेनिफिट हम लेते ही नहीं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो PPF देखिए सबसे अच्छा साधन है कि जहां आपने सब जगह बचत कर ली PPF में पैसा डालिए, सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंडिविजुअल के अलावा HUF के लिए भी अवेलेबल है। यानी PPF में आप किसी परिवार के किसी सदस्य के लिए अगर पैसा जमा करते हैं तो वहां आपको HUF में टैक्स का बेनिफिट मिलता है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस को खरीदना तो एक अच्छा प्रोडक्ट है ही, जहां आपको ATC मिलती है, इसके अलावा अपने बच्चों की एजुकेशन फीस का टैक्स बेनिफिट भी लिया जा सकता है 80C के अंदर। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जो ज्यादातर हम लोग गलती करते हैं और पकड़े जाने पर हमें जुर्माना देना पड़ जाता है, पूरी स्कूल फीस आपको नहीं लेनी है, उसमें से जो ट्यूशन फीस पार्ट है, अगर ध्यान से आप देखें तो बच्चे की स्कूल की जो फीस की रसीद आती है उसमें ट्यूशन फीस अलग लिखा होता है, डेवलपमेंट चार्ज अलग लिखे होते हैं, एनुअल चार्ज अलग लिखे होते हैं, तो आपको सिर्फ ट्यूशन फीस का ही क्लेम करना है बेनिफिट। अगर आपकी लिमिट पूरी हो रही हो और आपने ट्यूशन फीस सारी ले ली हो, सारी स्कूल फीस ले ली हो, तो सिर्फ ट्यूशन फीस लें, ये गलती ना कर दें। तो ये 80C के तहत कई ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप टैक्स छूट पा सकते हैं, और ओवरऑल कई ऐसे विकल्प हैं आपके लिए मौजूद इनकम टैक्स एक्ट में जिसके तहत आप टैक्स फ्री हो सकते हैं। और उन तमाम विकल्पों पर बातचीत करने के लिए मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मनी गुरु की इस पेशकश में बस इतना ही।